अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हम आपको अपने यूट्यूब चैनल इजी ऑटोकैड सॉल्यूशन में खुश आमदेद कहते हैं। ये चैनल सीखने सिखाने का चैनल है। कुछ आप हमसे सीखेंगे और कुछ हम आपसे। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आए तो ज़रूर अपनी पसंद का इजहार लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करके करें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो। और अगर आपको हमारी पोस्ट में कुछ कमी महसूस हो तो ज़रूर इसका भी इजहार कमेंट्स करके करें ताकि हमारी इसलाह हो। इजी ऑटोकैड सॉल्यूशंस की जानिब से बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज का सेशन है सेशन 12, जिसमें हम डिस्कस करेंगे मैच प्रॉपर्टी, लेयर ऑफ एंड ऑन, लेयर वॉक, लेयर करंट, लेयर मैच, लेयर आईएसओ, लेयर अन आईएसओ एंड लेयर मर्ज। जिसमें हमारी कमांड पहले हम डिस्कस जो कर चुके हैं उसमें 5 कमांड और ऐड हो जाएंगी। पिछले में 55 ऑफ 250 थी, इस दफ़ा 60 ऑफ 250 कमांड्स हैं। आइए शुरू करते हैं। जैसे कि हमने लेयर पहले बना के रखी हुई है अपने पास, हम उसको यूज़ करते हैं। मैच प्रॉपर्टी कैसे अप्लाई होती है, हम कमांड टाइप करते हैं लेयर, LAYER लेयर। लेयर में देखिए हमारे वॉल है, टेबल है, डोर है, ज़ीरो पुरानी लेयर की एग्जिस्टिंग लेयर है, विंडो है। अब हमें क्या करना है, हमें करंट लेयर में जो हमारा ऑब्जेक्ट बना हुआ है उसमें हम किसी और ऑब्जेक्ट में उसकी लेयर को शिफ्ट करते हैं। देखते हैं मैच प्रॉपर्टी कैसे अप्लाई होती है। MATCH मैच प्रॉपर्टी। अभी हमारी करंट लेयर क्या है, जैसे आप देख सकते हैं कि हमारी वॉल की करंट लेयर है। हम चाहते हैं डोर को इस पर शिफ्ट कर दें, तो हम पहले सेलेक्ट करेंगे वॉल की लेयर को। जिसको सेलेक्ट करना है, जिसको चेंज करना है, उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। आपके सामने मैंने डोर की ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, इससे उसमें वॉल की लेयर पर शिफ्ट कर दिया। इसको हम चेक भी कर सकते हैं कमांड लिस्ट की LIST लिस्ट, क्या आया इस लेयर शिफ्ट हुई नहीं हुई, ऑब्जेक्ट उस पर चला गया वॉल की लेयर पर। आप देख सकते हैं वॉल की लेयर पे ये शिफ्ट हो गया है। कमांड हमारी मैच प्रॉपर्टी थी। मैच प्रॉपर्टी में हम क्या क्या चीज़ें मैच करा सकते हैं चेक कर लेते हैं। इसकी सेटिंग में जाएंगे हम, सेटिंग में। इसमें बेसिक प्रॉपर्टीज जो जो चेंज कर देता है तो कौन सी हैं, कलर, लेयर, लाइन टाइप स्केल, ये आपके जो भी ऑब्जेक्ट में आपको होगा वो शिफ्ट कर देगा। ट्रांसपेरेंसी, थिकनेस, ए लेयर के मुताबिक चेंज कर देगा। और स्पेशल प्रॉपर्टी कौन सी है, डायमेंशन भी चेंज कर देगा। पॉलीलाइन मटेरियल, जब हम 3D में डिस्कस करेंगे उसमें हम देखेंगे मटेरियल क्या चीज़ होती है, वी पोर्ट्स वगैरह सब चेंज कर देगा। ये चीज़ें इसके अंदर शामिल हैं कि जो भी चीज़ मैच कराना चाहेंगे उस सब्जेक्ट के मुताबिक तमाम चीज़ों को शिफ्ट कर देगा। इस हमारी दूसरी कमांड जो है चेंज की कमांड, प्रॉपर्टी चेंज में उसके बजाय हम ये कमांड यूज़ कर सकते हैं मैच प्रॉपर्टी से। क्विकेस्ट है, फास्टेस्ट है, फिर टाइम भी हमारा सेव हो सकता है। इसको यूज़ करके देखें, बहुत अच्छी कमांड है। हमारी सेकंड कमांड कौन सी है, लेयर ऑफ। हम टाइप करते हैं लेयर ऑफ, LAYOFF ऑफ। हम विंडो की लेयर को सिलेक्ट करते हैं। देखिए आप हमारी डिस्प्ले पे से विंडो लेयर ऑफ हो गई। आप सेकेंड इसको सिलेक्ट करते हैं, ये भी ऑफ हो गई। अब इसको वापस लाने के लिए क्या करेंगे, कमांड LAY ऑन, एंटर। अभी तमाम जो भी लेयर ऑफ हैं वो आपके डिस्प्ले पे आए। अब हम लेयर दोबारा ऑफ करते हैं, LAY ऑफ करंट लेयर है। आपको करते हैं कि क्या मैसेज देता है, लेयर वॉल इज करंट, Do you want to turn it off? हम करंट लेयर को ऑफ कर देंगे तो तमाम जो भी हम ड्रॉ करेंगे वो हाइड हो जाएगी, तो इसलिए हम इसको कैंसिल कर देते हैं। अगली कमांड है लेयर वॉक। टाइप करते हैं लेयर वॉक, LAYWALK लेयर वॉक। लेयर वॉक में आप देखें तमाम लेयर डिस्प्ले हो गए और सेलेक्टेड है, हाईलाइटेड है।
इसमें हमें जिस लेयर को रखना है उसको हम करंट कर लेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे, वो लेयर डिस्प्ले होगी, बाकी सब ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएंगे। डोर के लिए मैंने सेलेक्ट किया, डोर अपीयर हो गई। इसी तरह टेबल की अपीयर करना चाहता हूँ, वॉल की अपीयर करना चाहता हूँ, विंडोज पर करना चाहता हूँ, जिस जिस लेयर का आपने करना है कंट्रोल दबा के आपने सेलेक्ट कर लेना है, वो ऑटोमेटिकली हाईलाइट हो जाएगी, टेबल भी आ जाएगी, डोर भी आ जाएगा, तमाम लेयर को आप डिस्प्ले कर सकते हैं। अगली कमांड है हमारी लेयर करंट, टाइप करते हैं LAYCUR, लेयर करंट। हमें जिस करंट लेयर पर ऑब्जेक्ट चाहिए उस पर हम उसको सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे हमारी करंट लेयर क्या है, विंडो, विंडो में हम चाह रहे हैं इस ऑब्जेक्ट को विंडो पर ले आए, तो हम उसको सेलेक्ट कर लेंगे। इस कमांड के बाद जितनी भी ऑब्जेक्ट को आप सेलेक्ट करते रहेंगे वो आपके करंट लेयर पर शिफ्ट हो जाएगा। अगली कमांड है हमारी लेयर ISO, लेयर UNISO। हम टाइप करते हैं LAYISO, लेयर ISO क्या करता है, जिस भी लेयर को सेलेक्ट करेंगे, जिस ऑब्जेक्ट के लेयर को, उसको वो करंट कर लेगा। देखते हैं, सेलेक्ट करते हैं हम वॉल की लेयर को, एंटर किया हमने, अब तमाम ऑब्जेक्ट को उसने क्या कर दिया, हाइड कर दिया। इसी तरह हम इनको वापस लाने के लिए क्या करेंगे, LAYUNISO, तमाम लेयर जो ऑफ हो गई थी, हाइड हो गई थी, उनको उसने क्या किया, वापस ऑन कर दिया। लेयर ISO और लेयर UNISO जितने ऑब्जेक्ट हों सबवाइप कर देगा, आपको वन बाई वन सेलेक्ट नहीं करना पड़ेगा। इसमें आप एक सेलेक्ट कर लेंगे, जितनी भी अदर लेयर्स होंगी सब वो हाइड हो जाएगी। दोस्तों, अगला सेशन हमारा होगा सेशन 13, जिसमें हम डिस्कस करेंगे लेंथन, एक्स लाइन, रे, फाइल डाया एंड फाइल टैप, इनके क्या काम है, ये हमारी ड्राइंग के अंदर क्या काम करते हैं, क्या अहम किरदार अदा करते हैं, ड्राइंग के अंदर क्या आसानियाँ पैदा करते हैं, किस तरह इस्तेमाल होता है, वो हम डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ। तो नेक्स्ट सेशन का इंतज़ार कीजिएगा, और हमारे यूट्यूब चैनल जो कि हमारा यूट्यूब एजुकेशनल चैनल है, इसको लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट्स रखें, ताकि हमारे आपके साथ कॉन्टैक्ट रहे। कोई प्रॉब्लम आए, कुछ डिस्कस करना, हमें मैसेज कीजिएगा, ताकि हम आपका मसले का हल आसानी के साथ कर सकें। बहुत शुक्रिया। दूसरी कमांड है लेयर मर्ज। लेयर मर्ज क्या करती है, टाइप करते हैं LAYMARG, लेयर मर्ज। हम सेलेक्ट करते हैं इस ऑब्जेक्ट को, हमें इस लेयर पर शिफ्ट करना है, मर्ज कर देना है। पहले सेलेक्ट करेंगे डोर लेयर ऑब्जेक्ट को, एंटर किया, अब किस लेयर पर मर्ज करना है उसको सेलेक्ट करेंगे सेकेंड। अब पूछ रहा है आपसे, डू यू विश टू कंटिन्यू, येस। अब देखें, इसको इसने शिफ्ट कर दिया। अब लिस्ट की कमांड चेक भी कर सकते हैं, अलाइज द लिस्ट, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, किस लेयर पे शिफ्ट हो गया, वॉल की लेयर पे शिफ्ट हो गया। अब हम सेकंड ये कुछ करंट लेयर को भी चेक करते हैं, क्या कर सकते हैं, LAYMARG, लेयर मर्ज, सेलेक्ट करें आप, क्या कह मैसेज दे रहा है आपको, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट और लेयर टू मर्ज, और ये सेलेक्ट कर रहे हैं हम, इसे क्या कह रहा है, इसने क्या किया, चेंज कर दिया। याद रखिएगा, करंट लेयर किसी और में मर्ज नहीं हो सकती। हम देखें दोबारा, LAYMARG, मर्ज, रिमर्ज, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, क्या कह रहा है, नीचे पढ़े हम, कैनॉट मर्ज करंट लेयर। हम ये ऑब्जेक्ट को इस लेयर पे मर्ज कर सकते हैं, यस, आपके सामने इस लेयर पे मर्ज कर दिया, विंडो के लेयर पे आ गया ऑब्जेक्ट हमारा। हम ये लिस्ट लेके भी दे सकते हैं, लिस्ट की कमांड, ये इस लेयर की विंडो पे आगे पहुंच चुका है, ट्रांसफर हो चुका है। तो याद रखिएगा कि करंट लेयर को किसी और लेयर पे मर्ज नहीं कर सकते। उम्मीद है कि आपने हमारा सेशन देखा होगा, सीखा होगा, और आसानी के साथ इसको आपने जहनशी कर लिया होगा, और आइंदा इस्तेमाल कर सकेंगे आप आसानी के साथ हमारी कमांड। और देखते रहिएगा, हमारा नेक्स्ट सेशन होगा सेशन नंबर 13, उसमें और मज़ीद कमांड जाएंगी जो आपके काम को
आसानी बना सकते हैं ड्राइंग्स को, आराम के साथ आप डिस्प्ले कर सकते हैं। दोस्तों डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब लाइक शेयर एंड कमेंट्स। थैंक यू।